हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल गिव यू अ रिव्यू अबाउट फार्मारॉक्स फार्मासिस्ट एग्जाम स्टडी मटेरियल बुकलेट स्पेशली फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम सो दिस इज़ द कवर पेज ऑफ दिस बुक आई सो यू विथ जूमिंग दिस कवर पेज इसको हम जूम करके देखते हैं कवर पेज को ओके सो फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस हियर इज़ द कवर पेज ऑफ द बुक यू आर हियर बुक का ये जो कवर पेज है फार्मासिस्ट एग्जाम स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन ऑथर मिस्टर अमर एम रावल एम्फाव एन पी एच डी परसिंग यू मे कांटेक्ट नाइन जीरो वन सिक्स थ्री वन टू जीरो टू जीरो टू ऑर्डर दिस बुक सो ये जो है वो बुक का इंडेक्स है उसके बाद इंडेक्स के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं जूम करके अलग अलग टॉपिक्स ओके okay? सो so, सबसे पहले कंटेंट के अंदर रहेगा अबाउट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम बुकलेट देन सेक्शन वन के अंदर है मास्टर नोट्स मास्टर नोट्स मतलब कि ये जो पिन पॉइंट नोट्स जो है वो पिन पॉइंट कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके रिलेटेड हमने पिन पॉइंट नोट्स जो है आपको दिए है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर दो से लेकर तीन चार पाँच अलग अलग यहाँ पे टॉपिक्स जो है वो कवर किए गए हैं विथ पेज नंबर के सबसे पहले है इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जी के एंड जी एस पेज नंबर थ्री टू फिफ्टी फोर दैन फिफ्टी फाइव से है ड्रग एंड एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट्स देन प्रोडक्ट्स एंड एनिमल यूज फॉर बायो एस ए रिकमेंडेड नीडल साइज फॉर वेरियस इंजेक्शन ड्रग एंड देयर वेराइटीज़ ड्रग एंड देयर सिनोनिम्स नेम ऑफ़ द ड्रग एंड देयर साइड इफ़ेक्ट कैप्सूल नंबर दे आर अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी इन दें फिलिंग इन एम जी एंड एम एल सो ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए है पिन पॉइंट्स ये आप देख सकते हो यहाँ पर यह है फेज वन इंडेक्स का थर्टी सिक्स तक हमने ये टॉपिक देखे फिर यहाँ पर पे सेकेंड पेज पर भी यही इंडेक्स कंटिन्यू हो रही है इसमें भी आप यहाँ पर यू कैन सी अबाउट द वेरियस टॉपिक्स तो जितने हमने इम्पॉर्टेंस है कि ऑल इम्पोर्टेंट ड्रग्स ऑफ फार्माकोग्नोसी फिफ्टी नाइन नंबर पे दिया है कि फार्माकॉग्नोसिक की सभी ड्रग्स शॉर्ट में कवर हो जाएगी फिर ये माइक्रोबायोलॉजी के, 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 के जो इम्पोर्टेंट नोट्स है टैबलेट डोजिस फॉर्म के कैप्सूल रिलेटेड ड्रग ऑफ चॉइस देन माइक्रोस्कोपी ऑफ इम्पोर्टेंट ड्रग्स ड्रग के मेकेनिज्म एक्शन फॉर्म फार्माकोलॉजी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ईयर एंड एक्ट के जो पूछे जाते हैं स्केड्यूल्स ओके उसके रिलेटेड टेबल्स मतलब कि जो जितने भी पिन पॉइंट्स जरूरी है फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम वो सब यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है देन सेक्शंस टू स्टार्ट होगा बुक का उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कवर किया हुआ है फार्माकोग्नोसी का पेपर फिर उसकी आंसर की सेकंड कॉलोजी का पेपर उसकी आंसर की कॉलोजी का पेपर फिर उसकी आंसर की इससे टोटल चालीस जितने पेपर है ओके okay? सब्जेक्ट वाइज पहले पेपर आएंगे कि ये कॉलोजी के पेपर है एनालिसिस बायोकेमिस्ट्री फार्मास्यूटिक्स माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, देन यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री फार्माकोलॉजी कॉगलोसी सीटिक्स ओके तो ये पेपर्स रहेंगे फॉर सब्जेक्ट वाइज फिर यहाँ पे दूसरे तीस पेपर टेस्ट पेपर थर्टी तक आप देख सकते हो कि वो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कि जो आपको फुल सिलेबस प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन ज़रूरी है वहाँ पे ये टोटल हमने टेन मॉक टेस्ट उसमें दे रहे हैं so, सो मतलब कि टोटल आपको पेपर्स मिल रहे यहाँ पे चालीस चालीस पेपर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और सभी के क्वेश्चन मिलाकर हो जाएंगे अराउंड फाइव थाउजेंड्स सो दिस इज़ अबाउट द बुकलेट Pharmacist exam booklet having a total two sections. Section one is the master notes and section two is the model test papers. Section one is the master notes is contain the master notes like a rapid revision notes for a pharmacist exam. Section two contains the model test paper. It contain model test paper. Total forty model test papers are covered in this section. Thirty subject wise plus ten full syllabus mock test is equal to forty papers. Total 5000 multiple-choice questions are in with a proper answer. So here is the message from Amar Rawal, owner and MD of PharmaDocs. We are happy to launch this booklet for the pharmacy students who are preparing for government pharmacist examination. Do preparation from this study material day by day and also revise it regularly. It must be helpful you for any state government pharmacist examination. Solve the questions from the section two and improve your confidence. Revision and smart mark work must be needed for the success in the any examinations. So always do the smart work and achieve the success in your life. Always our efforts towards the success of each and every student. All the best and good luck for the exam preparation. Thank you, Mr. Amar Rawal. So, यहाँ पे हम अब देख सकते हैं अबाउट द बुक बुक का हम आपको कंटेंट दिखाते हैं तो स्टार्टिंग में जो है कि अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ओके okay? जो जबकि जी एस पोर्सन में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके okay? कि यहाँ से मार्स गैस किसे कहलाया जाता है नोबेल गैस किसे कहा जाता है सबसे भारी धातु तो कौन सी है ओके okay? फिर राजदैलिक दल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिर ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन तो यहां पे स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं अबाउट द बुक ओके यहाँ पे जो जनरल स्टडी रिलेटेड कंटेंट जो है यहां पे हम देख सकते हैं कि बुक के अंदर दिया हुआ है हियर इज़ एम सी क्यू इन ए हिंदी यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन कर इस तरह के क्वेश्चंस में से पिन पॉइंट पूछे जाते हैं और कई बार मोस्टली uh, पूछे गए इसमें से ही क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस सो ये है स्टार्टिंग का जनरल स्टडी पोर्सन यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी कंटेंट जो है वो हमने कवर किया है आपके लिए स्पेशली फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन ये है सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मतलब कि ये स्टार्टिंग जो है वो हिंदी में रहेगा उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा फार्मा पोर्सन की ये भी पूछे जाते हैं कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है इन एग्ज़ाम तो नीचे तुरंत उनका आंसर भी दिया है फार्मासिस्ट एग्जाम में ही ये क्वेश्चंस पूछे गए उसी में से हमने ये एक्सट्रैक्ट करके दो पोर्सन में आपको दिया है कि एक जनरल स्टडी पोर्सन और दूसरा फार्मा पोर्सन सो यहाँ पर जितना भी कंटेंट हमने रखा है वो सब प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सो मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इन्हें फार्मासिस्ट एग्जाम सो यू कैन ऑल्सो मेक द प्रैक्टिस ईयर इन दिस बुक ओके सो दिस इज़ अबाउट द जनरल स्टडी काफ़ी पोर्सन ओके फिर ये है मेजरमेंट डिवाइस ये डिवाइज पूछे जाते हैं कि कौन से डिवाइस किसके अंदर यूज़ होता है ओके okay. सो so ये पूरा कंटेंट फिर लिस्ट ऑफ़ फोबिया फोबिया के टाइप्स पूछे जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक फार्मासिस्ट, सो so सब कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा ये जस्ट हमने अभी तक फोर्टी थ्री पेज तक गए हैं, टोटल यहाँ पे है आपको फाइव पेज का ये पूरा स्टडी मटेरियल है ओके okay. 560 हंड्रेड पेजेस टोटल रहेंगे सो so ये हम चेक कर रहे हैं अभी जी के एंड जी एस वाला पोर्सन यहाँ पे ये जो डेज पूछे जाते हैं कि कौन सा डे कौन कब मनाया जाता है ओके कि मार्च के अंदर सबसे पहले आता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे वर्ल्ड कैंसर डे सॉरी वर्ल्ड टी डे इंटरनेशनल वुमेंस डे जिस तरह के डेज पूछे जाते हैं देन अप्रैल के अंदर कौन सा डे वर्ल्ड हेल्थ डे एक्सेट्रा तो ये जो बुक की पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर हमने दे दी है अब चेक करते हैं हम पोर्सन फार्मा पोर्शन के अंदर आपको सभी पेज के पे मिलेंगे ये सब इम्पोर्टेंट टेबल्स ये जो आप देख रहे हैं सब टेबल्स कि इसमें से बार बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाए गए हैं ओके okay, कि ये जो टेम्परेचर है सॉलिबिलिटी वाला है ओके देन कैप्सुल साइज वगैरह फिर ड्रग और उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो है ये देन साइड ड्रग्स के फेमस साइड इफेक्ट्स तो इस तरह के जो क्वेश्चंस जो है वो बार बार पूछे जाते हैं इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिर ये पॉइजन और उनके एंटीडॉइट्स इसमें से हर बार क्वेश्चन होता ही है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में तो ये सब टेबल्स हमने कवर किए हैं फिर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि कंट्री करेंसी वो सब पूछा जाता है सो मतलब कि जितने भी इम्पोर्टेंट है ये फिर ये सब टेस्ट कि ऑफ टेस्ट किसके लिए परफॉर्म की जाती है बायूरेट रिएक्शन सल्फ़र के लिए कौन सी टेस्ट है साकागुची रिएक्शन हॉपकिंस कोले ले मिलोन्स टेस्ट तो आपने भी देखा होगा कि जो जो आप पुराने पेपर समझे कि फार्मासिस्ट के सॉल्व कर रहे हो तो उसमें भी आपने ये सब कंटेंट देखा होगा कि मतलब कि जो इतने भी इम्पोर्टेंट स्टेबल है कि कॉम्पिटिटिव फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए जो ज़रूरी कॉन्टेंट है वो सब हमने आपके लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया ये सब है मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस ड्रग्स वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पचास जितनी इम्पोर्टेंट मेकेज़म फिर ड्रग एंड सीन इम्पोर्टेंट के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो ये जो है वो सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी रैपिड रिविज़न नोट्स है और स्पेशली फार्मासिस्ट के अंदर इसी में से क्वेश्चंस जो है वो हर बार रिपीट होते हैं सो दिस इज़ अबाउट द क्वेश्चन मल्टी सॉरी अबाउट द कंटेंट ऑफ द बुक अब आप तो दिखा देते हैं कुछ सैम्पल मॉडल पेपर्स ओके अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक मॉडल पेपर्स फॉर फार्माकोलॉजी का ये मॉडल पेपर्स है कि व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ निफेडिपिन व्हाट इज़ द मेकेनिजम एप्सन ऑफ एप्रोटेनिन। तो यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम यहाँ पर आपको ये देख रहे यहाँ पेपर कि पूरे जो क्वेश्चन जो है वो स्पेशली ये जो पेपर है तो उसमें सब कॉलोजी के पेप क्वेश्चन पर रहेंगे तो आपको क्या रहेगा कि कॉलोजी के प्रैक्श क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से आपको जो आगे हमने इंडेक्स में देखा इस तरह से सभी तीस एक पेपर है सब्जेक्ट वाइज फिर दस पेपर आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट तो ये जो है पेपर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हमने उसकी दी रखी है आपको आंसर की तो अब मैं दिखाता हूँ आपको आंसर की का फॉर्मेट ओके हियर इज़ द आंसर की ऑफ दिस पेपर यहाँ पे आप आंसर की को चेक कर सकते हो ओके यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसकी ये है आंसर की फिर ये फिर से एक ने उस वो आंसर की कंप्लीट होने के बाद ये थर्ड पेपर स्टार्ट हो गया है वो ये भी फार्माकोलॉजी का है जिस तरह से अलग अलग जो पेपर्स जो है वो आप ये इस बुक के अंदर सॉल्व कर सकते हो ये है सब्जेक्ट वाइज पेपर सो हम यहाँ तक एक सौ वन थर्टी पेज नंबर तक पहुँचे है टोटल आपको लास्ट तक मैं दिखा दूँ तो अराउंड छः सौ जितने पेज है ओके okay, ये है लास्ट पेज 560 सिक्सटी नंबर का पेज 560 सौ साठ जितने और ये भी आंसर की है कि मोक टेस्ट पेपर टेन के आंसर की और ये है उसके क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिस इज अबाउट द फार्मासिस्ट एग्जाम बुक लेट लास्ट में मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अबाउट द ऑथर मिस्टर अमर एम रावल ये है बुक का बैक कवर आपको दिखा देता हूँ दिस इज द बैक कवर ऑफ द बुक ओके सो हियर यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट द मिस्टर अमर एम रावल बी फॉम एम फॉम इन फार्मास्यूटिक्स पी एच डी फॉर स्विंग Mr. Amar Kumar Maheswe Rawal, B.Pharm, M.Pharm and PhD pursuing. Amar Rawal is the author and owner of these booklets. He has completed his BFAM from Sri T.S. College of Pharmacy, Ambalyara Bayad in 2012. He has completed his M.Pharm in a Pharmaceutics from Sri B.A.M.S.A. College of Pharmacy, Modasa, Gujarat. Amar Rawal had done his job as a pharmacist in the government of Gujarat around two years and half years. After that, he had joined as an assistant professor in Department of Pharmaceutics at Sri Bamsa College of Pharmaceutical Education and Research Modasa, for one year and now he is doing job as an assistant professor in Department of Pharmaceutics at Saraswati Institute of Pharmaceutical Sciences, Dhanab Gandhinagar Gujarat he also doing phd from gujarat technical university ahmedabad here is about the pharmarox amar raval is the owner of pharmarox it is working since 2011 our goal is to satisfy all needs of our students spread the knowledge of pharmacy all over and get the satisfactory benefit of it in addition to our commitment to providing our best support to all students we are Proud of our social commitment, PharmaDocs is the community of pharmacists. The aim of the PharmaDocs is to provide the best quality knowledge to Pharma students and encourage them towards to the new origin of success and improve their personality. Provide proper guidance about the competitive exams related to our pharmacy profession like GPAT, NIPER, BITS, Manipal. ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम एंड ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू फार्मेसी फील्ड फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस जीपैट नाइपर डी आई फार्मासिस्ट एग्जाम कोचिंग ऑपोजिट इरीगेशन कॉलोनी चोइला रोड बायर डिस्ट्रिक्ट अरवली गुजरात हियर आर अवर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर नाइन जीरो वन सिक्स थ्री वन टू जीरो टू जीरो यू कैन ऑलसो जीमेल वी यू कैन ऑल्सो ऑन फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब parma rocks slash